वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। माय नेम इज़ दुआ सैयद एंड आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्पिरेशन वर्सेस कॉपी। इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच में जो एक ट्रांसपेरेंसी लाइन है ना, उसको किस तरीके से फिगर आउट करें। और ये बहुत सारे डिज़ाइनर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किसी डिज़ाइन को देखते हैं, उससे इंस्पायर होने के बजाय उसे कॉपी कर बैठते हैं, जो कि गलत बात है। आप ना चाहते हुए भी किसी भी डिज़ाइन को अगर कॉपी कर लें तो वो आपका डिज़ाइन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई लोगो देखते हैं या कोई आर्टवर्क देखते हैं, आप उसको एज इट इज़ ट्रेस करते हैं इलस्ट्रेटर पे, तो वो काम आपका नहीं है, वो काम आपने कॉपी किया है। क्योंकि जो आइडिया होता है वो एक्चुअल काम होता है डिज़ाइन के पीछे। तो आपने अपना आइडिया किस तरह से बिल्ड करना है, इंस्पिरेशन किस तरीके से लेनी है, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज की जो मेरी वीडियो है वो है लोगो डिज़ाइन की इंस्पिरेशन आप कैसे लेंगे, इंस्पिरेशन फॉर लोगो डिज़ाइन। तो लोगो डिज़ाइन के लिए मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक वेबसाइट है, दो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके मैं पहले लोगों का काम देखती हूँ, उसको डिस्कवर करती हूँ, रिसर्च वर्क करती हूँ, फिर देखती हूँ कि अच्छा मेरा जो लोगो है वो स्टाइल में भी जा सकता है, स्टाइल में भी जा सकता है। तो वो जो दो वेबसाइट्स हैं, उसमें से पहली वेबसाइट है logopond.com, logopond.com, logopond.com। आपको भी स्क्रीन पे logopond.com की वेबसाइट नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये इतनी डाइवर्स और इतनी अच्छी वेबसाइट है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी गूगल भी करती हूँ किसी का काम देखने के लिए अगर लोगों से रिलेटेड हो। तो ये जो आपको कुछ साइन इन नहीं करना, रजिस्टर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे सर्च बार में इसको क्लिक करना है जो ग्रीन है। तो आपके पास एक सर्च बार आ जाएगा, ये येलो सा बॉक्स आ जाएगा, इस पर आपने सर्च करना है टैग से, ठीक है, बाय टैग्स और बाय टाइटल। आपने क्या करना है, बाय टैग से सर्च करना है। बाय टैग से अगर हम सर्च करते हैं, और फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी कॉफ़ी हाउस का लोगो बनाना है, तो कॉफ़ी से रिलेटेड मेरे दिमाग में क्या क्या वर्ड्स आते हैं, जो हमने उस दिन माइंड मैपिंग में भी सीखे थे कि कॉफ़ी से अरोमा आता है, कॉफ़ी से बीन आता है, कॉफ़ी से ब्राउन आता है, कॉफ़ी से एनर्जी आता है, कॉफ़ी से स्लीपलेसनेस होता है, कॉफ़ी से प्रोडक्टिविटी, एकम्प्लिशमेंट और सेटिस्फेक्शन, बेसिकली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड है। फिर कॉफ़ी से टॉक, कॉफ़ी से कन्वर्सेशन, यू नो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अभी जो मैं सारे टैग्स बोल रही हूँ इस कॉफ़ी से, जो जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे जहन में कॉफ़ी से अरोमा आता है कि कॉफ़ी की जो बात करो तो उसका एक स्पेसिफिक अरोमा है जो आपको फील होने लग जाता है अगर आप कॉफ़ी लवर हैं, तो अरोमा मैं लिखूँगी और बाई टैग से मैं उसको सर्च करूँगी। तो जितने भी लोगोज हैं जिसमें अरोमा का टैग यूज़ हुआ है, अरोमा का कीवर्ड यूज़ हुआ है, तो वो मुझे लोगोज यहाँ पे नज़र आने लग जाएंगे। जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये लोगो है, ये अब ये लोग किसी ने बना के यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। अब जो जो मुझे लोगो पसंद आता जा रहा है, मैं उसको दूसरे टैब में ओपन करती जा रही हूँ। दिस इज़ एक्चुअल माई वे ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, माई वे ऑफ टेकिंग एन इंस्पिरेशन बट नॉट कॉपिंग, ठीक है। जो जो मुझे पसंद आता जा रहा है, 5 to 6 आर्टवर्क्स होते हैं जो मुझे पसंद आते हैं और मैं उनको साइड पे खोल लेती हूँ, ठीक है। मैंने अरोमा के कीवर्ड से 3 टैब्स खोल लिए। अब मेरे जहन में क्या आ रहा था, स्लीप, स्लीपलेसनेस है, लेकिन देखते हैं कि स्लीप से हमारे टैग्स में कौन कौन से लोगोस आते हैं। क्योंकि जब लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो आपने आप मेटाफॉर्स के साथ भी खेल सकते हैं। मेटाफॉर्स का क्या मतलब है, तशबीह देना। आप किसी आइडिया को तशबीह दे सकते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड या कंपनी के थ्रू। मुझे स्लीप में सिर्फ एक ही पसंद आया जो कि मैंने खोल के रख लिया है, आगे भी है, लेकिन लेट्स जंप टू, और हमने क्या कीवर्ड सर्च किया था, कॉफी से अवेक, ठीक है, अवेक का भी हमें कुछ खास नहीं मिला। बीन्स, या कॉफी बीन्स लिख दें या बीन लिख दें। अब देखिए, आपको रिलेटेड टू कॉफी शॉप या कॉफी कप्स, क्योंकि बीन का वर्ड ही इतना जेनेरिक है कि जो जो
आपको मिल रहे हैं वो ज़्यादा कॉफ़ी हाउस के ही या कैफ़े के लोगोज मिलना शुरू हो गए हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपके लोगो की फील क्या होगी, मिनिमल, विंटेज, रेट्रो। इस पे मैं एक और बनाऊंगी लेक्चर जिसमें आप लोगो की फील, लोगो का कैटेगरी पता होनी चाहिए कि वो विंटेज है, वो रेट्रो है, वो मिनिमल है, वो फ्लैट है, स्केची है, फ्लेक्सिबल है। तो ये सारे लोगोज की कैटेगरीज हैं जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे लेटर ऑन। अभी सिर्फ हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा जो कॉफ़ी हाउस है हम उसका लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, बीन्स हो गया। अब हम लिखते हैं कॉफ़ी। एंड पे हम सबसे जेनेरिक वर्ड लिखेंगे क्योंकि कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स आएंगे और आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होंगे। अब आपको इतने अच्छे लग रहे होंगे डिज़ाइन से, आप इन्हीं को कहेंगे कि बस मैं यही बना के ना अपने पोर्टफोलियो में डाल देता हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मैं अपने कॉफ़ी हाउस का नाम रख देती हूँ क्योंकि अभी मैंने नाम नहीं रखा, तो इसलिए अभी मुझे इनिशियल्स भी नहीं पता। तो मैं अपने कॉफ़ी हाउस का नाम रख देती हूँ कॉफ़ी टाउन। कॉफ़ी टाउन, टाउन कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी टाउन। ठीक है, कॉफ़ी टाउन हमारे लोगों का नाम है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम देखें मेरी स्क्रीन पे कि जो जो लोगोस मुझे पसंद आए मैंने उसको खोल के रख लिया। इसमें कुछ फ्लैट हैं, कुछ मिनिमल हैं, कुछ हैंड स्केच हैं, कुछ टाइपोग्राफिक बेस्ड हैं। एक मैंने, मुझे ये पैंडा का लोगो बहुत पसंद आया, तो इसको देख के मुझे फील हो रहा था ये कप की या वो एक कॉफ़ी के फ्लो की शेप बन रही है। और अगर हम स्लीपी कैरेक्टर को विद कॉफ़ी दिखाएं तो हम ये बता सकते हैं अपने क्लाइंट या अपनी ऑडियंस को कि हमारी कॉफ़ी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि वो एक स्लीपी पांडा को भी जगा सकती है। यू नो, मेटाफोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ऑपोजिट लेके चल रहे हैं, सर्वर्टाइज कर रहे हैं। तो एक तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैं इसको करूँगी सेव और मैं ले आऊँगी अपने आर्टबोर्ड पर। इसको मैं करूँगी सेव, मैं ले आऊँगी अपने आर्टबोर्ड पर। मैं अभी बाकी को नहीं लेके आ रही क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड। हमारे कॉफ़ी हाउस का नाम क्या था? कॉफ़ी टाउन। ठीक है, ये हमारी दो रेफरेंस इमेजेस हमने यहाँ रखी हुई हैं, कॉफ़ी टाउन था। ठीक है, अच्छा हमने टाउन तो सर्च ही नहीं किया क्योंकि हमने नाम बाद में रखा है, तो हम टाउन भी सर्च करके देख लेते हैं। टाउन, बिल्डिंग, सिटी, यू नो दीज काइंड ऑफ कीवर्ड्स। हमें टाउन में एक नज़र आया है लोगो को, हम कॉपी करके पास यहाँ रखेंगे। अब हम सर्च कर लेते हैं बिल्डिंग, क्योंकि कॉफ़ी किसी ना किसी बिल्डिंग के अंदर ही होगी या डाउनटाउन में होगी या किसी ऐसे एरिया में होगी जहाँ पे बिजी क्राउडेड होगा, तो हम बिल्डिंग्स या टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे बिल्डिंग में कुछ ख़ास इधर नज़र नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे कॉफ़ी बिल्डिंग लिखें, फिर जी अब क्या आता है? नथिंग स्पेसिफिक। अगर हम यहाँ लिखते हैं कॉफ़ी, जो हमारा ओरिजिनल नाम है कॉफ़ी टाउन, वो उसको भी इतना कोई ख़ास रीड नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ लिखते हैं कप, कप तो हमने किया ही नहीं, चाय या कॉफ़ी पियेंगे किस में? कप हमें करना चाहिए था पहले। कॉफ़ी मशीन, अच्छा मैंने तो सर्च पूरा छांट लिया लोगो पॉइंट को अपने कीवर्ड से। नाउ आई विल गो टू पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट बहुत कॉमन वेबसाइट है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। pinterest.com पे आप जाएंगे तो आप वहां पे लिखेंगे कॉफ़ी लोगो और वो आपको दिखा देगा कॉफ़ी के जितने भी लोगो आज तक बने हैं, और उसमें से काफ़ी ऐसी इंस्पिरेशंस आप ले सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके कॉफ़ी लोगों को डिज़ाइन करने में। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ तो सोच ली है, वो एक चीज़ मैंने क्या सोची है कि मैं अपने जो लोगो है उसको मैं एक तरह से वो मार्क वाला, वो जो स्टारबक्स की तरह एम्बलम होता है ना, वो मैं बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ तो ये सोच ली है कि जो मेरा कॉफ़ी का लोगो होगा उसकी फील क्या होगी। तो मेरे कॉफ़ी की जो फील होगी ना वो एम्बलम टाइप होगी, वो एक स्टैम्प टाइप होगी,
जिसमें जिसके अराउंड एक सर्कल होता है, फिर सर्कुलर में टेक्स्ट लिखा होता है, बीच में आइकन होता है। मुझे वो फील और वो जो जिस विंटेज स्टाइल का जो वो लोगो बनता है ना, वो मुझे अट्रैक्ट करता है। और उसी स्टाइल को लेके मैं मिनिमलिज्म के साथ इनकॉर्पोरेट करूंगी, नॉट टू मच नॉट टू लाइट। तो देखते हैं कि हमें उस तरीके के कौन कौन से लोगोस मिल सकते हैं। मेक श्योर करना है कि आपका जो कॉफी कॉफी टाउन का जो लोगो होगा बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। जो फील है ना, मुझे इस तरह की फील चाहिए। तो अगर मैंने ये फील सोच ली है तो मैं इसको अपने कार्डबोर्ड पे लेके आ जाती हूँ। आपने इस तरीके से अपने पास एक कलेक्शन बनानी है अपने लोगों की, इंस्पिरेशन की आपने कलेक्शन बनानी है। अगर आप कलेक्शन नहीं बनाते तब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि हमें कौन सा लोगो पसंद आया था, हमने कौन से शॉर्टलिस्ट किया था। ये हमारी कलेक्शन हो गई है कंप्लीट। फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत और जद्दोजहद के बाद मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिल गया है। अभी फ़िलहाल मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपने कीवर्ड्स या टैग्स जो है रिलेटेड टू द ब्रांड वो सर्च करने हैं जिस वेबसाइट को से हेल्प लेके, तो उसको आपने ना रेफरेंस इमेजेस ज़रूर रखना है। तो अब हमारे पास टाउन भी था, हमारे पास कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी से एकदम से कप ही जहन में आता है, तो मैंने सोचा कि मैं कन्वेंशनल कप की तरफ ना जाऊं, स्टारबक्स वाले कप की तरफ जाऊं जो डिस्पोजेबल होता है, ठीक है। क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो कॉफ़ी टाउन है यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है वो डिस्पोजेबल कप्स में आप लेकर जा सकते हैं, नो टाइम वेस्टिंग एंड नो स्टैंडिंग इन लाइंस। और फिर इस पर्टिकुलर जो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं लोगो, उसमें मैंने टाइप को और जो टैगलाइन है उसको मैंने काफ़ी मिनिमल सा रखा हुआ है, वेयर एज जो के फोकस मेन पॉइंट है वो हमारा टाउन है। और टाउन को अगर मैं क्लोजली आपको लेकर जाऊं तो उसको मैंने फील बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं दी, उसमें देर आर सर्टेन लाइन जो ऊपर नीचे हैं, क्योंकि जब थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे तो ऐसा लगता है वो कप है जो फिल हुआ हुआ है विद द कॉफ़ी और विद द टी, और जो टाउन है वो उसके अंदर ड्राउनिंग स्टेज पे है। तो टाउन के बिल्कुल मिड के अंदर हमारा कॉफ़ी टाउन का शॉप है और हम इसको इस तरह दिखा रहे हैं। और ये जो बीन्स के छोटे से एलिमेंट्स हैं इसको हमने एज अ डिज़ाइन एलिमेंट अपने लोगों को कंप्लीट करने में दिखाया है। अच्छा, इसी को हमने अब लोगों की कॉम्पोजिशंस होती हैं तो इसको ही मैंने इस तरह की कॉम्पोजिशन में भी रख लिया जिसमें मैं थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी स्पेसेस जो है वो बेहतर कर सकती हूँ। ऊपर ले आते हैं।
आते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी कलर वेरिएशंस बनाए, ठीक है, ब्राउन रखे, ब्राउन ऑरेंज रखा, लेकिन मैंने अपनी जो टैगलाइन है उसको म्यूटेड रखा है। टैगलाइन को आप लोग बहुत ज़्यादा हार्श बना देंगे तो फिर सारा फोकस इस पर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने जो चाय की जो अरोमा होता है उसका कलर और टेक्स्ट के कलर को आपस में एक जैसा रखा है ताकि आई जो है वो उसको रिपीटेशन में लेकर जाए। इसको मैंने वन कलर रख के देखा है विद ग्रे। ग्रे मैंने न्यूट्रलाइज करने के लिए रखा है, अगर मैं पूरा ब्राउन कर दूंगी तो वो एक जैसा लगेगा। ये मैंने एक और टाइप एक्सप्लोर की जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लग रहा था मेरे लोगों के साथ जा रही है, और इसमें इसमें जो है मैंने जो विंडोज़ हैं उसको मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि ये मुझे इस तरह भी टाउन की जो बिल्डिंग की जो ऑब्वियसली जो सिल्वेट होता है वो वैसे ही नज़र आ रहा है, तो मुझे ये इसी तरह ही अच्छा लग रहा है। इधर मैंने कॉम्बिनेशन दे दिया है और इधर मैंने हल्का सा जो है इसका लाइटर वर्जन लिया है। ऑनेस्टली इसके इससे बेहतर भी बन सकता है, इस कॉन्सेप्ट को हम बेहतर तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम एक और कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर का मकसद ये था कि हम इंस्पिरेशन कैसे लें। अब हमने जितने भी इमेजेस शुरू में सेव किए हैं उसमें से हमने कोई भी कॉपी नहीं किया, किसी भी एक डिज़ाइन को हमने कॉपी नहीं किया, बहुत अच्छे भी थे लेकिन हमने कॉपी नहीं किया। हमने एलिमेंट्स उठाए, हमने बोरोइंग की, हमने टैग्स सर्च किए और अपनी माइंड मैपिंग या अपने रेलिवेंट टैग से हमने अपना लोगो ड्राइव किया। इट शुड बी क्रिएटिव नॉट लिटरल, तो हमने मेटाफॉर भी दिखाया और हमने एक तरह से इसको एम्बलम की शेप में भी दिखाया, सीधी शेप में भी दिखाया, और इसकी ब्रांडिंग भी बड़ी मज़े की हो सकती है, सिटी या टाउन की जो हम इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं पूरे पूरे पैकेजेस पे। तो ये सब कुछ है, तो इंस्पिरेशन लेना और कॉपी करने में बहुत फाइन लाइन है। अगर हमें ये डिज़ाइन कहीं नज़र आता फिर हम ये नहीं बना सकते थे, फिर हम एग्जीक्यूशन जो है वो किसी और तरीके की सोचते। लेसन है कि हमने इंस्पिरेशन लेनी है, हमने कॉपी नहीं करना किसी का भी डिज़ाइन, बेशक वो बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको पोस्टर्स के या बैनर्स की इंस्पिरेशन का बताऊंगी, वो कहाँ से लेनी है, वो कौन सी वेबसाइट्स हैं और उन इंस्पिरेशन को कैसे अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करना है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितना भी मैंने आपको इनपुट दिया है उसका आउटपुट मुझे ज़रूर दें। आपका नया टास्क यही है कि आपने एक इंस्पिरेशन लेनी है और उस इंस्पिरेशन को लेके उसी की तरह से कुछ ड्रॉ करना है।